हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आप अपने हाथ पैरों पे से जिद्दी मैल दाग धूल मिट्टी को एकने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। केवल चुटकियों में, एक ही बार में आप सारी गंदगी मैल को दूर कर सकते हैं। आप अपनी इससे पूरी बॉडी को भी गोरा बना सकते हैं, चमका सकते हैं और सॉफ्ट बना सकते हैं। 100% इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और इसका कोई भी, और ये बिना साइड इफेक्ट की रेमेडी है। तो बिना किसी देरी के इस नुस्खे को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और यहाँ पे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर एक चम्मच शैम्पू है। तो सबसे पहले शैम्पू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। नींबू का रस बहुत अच्छा होता है मैल को दूर करने के लिए। ये मैल को बहुत ही जल्दी काटता है, धूल मिट्टी को दूर करता है, साथ ही अगर स्किन ड्राई होती है तो ये ड्राई स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में भी हेल्प करता है। हाफ लेमन जूस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो इसके बीज हैं आपको वो भी निकाल देने हैं। तीसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टमाटो जूस। आधे टमाटर का रस है, आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, जो हमारी स्किन पे कालापन जमा हो जाता है, धूल मिट्टी हो जाती है, मैल जमा हो जाता है, ये उसे दूर करता है। लास्ट चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधी चम्मच के बराबर हल्दी, यानी कि टर्मरिक। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको इसे लेना है और जहाँ पर भी आपके कालापन या गंदगी मेल हो, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कीजिए। अच्छे से आपको इसे अप्लाई करना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे बस 5 मिनट के लिए लगे रहने देना है और फिर आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे जहाँ पर आपने इसको अप्लाई किया है वहाँ से सारी धूल मिट्टी दूर हो चुकी है और आपकी जो स्किन है वो गोरी हो चुकी है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ भी हो जाएगी। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इसने कितना अच्छा वर्क किया है। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। मैंने इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी की सारी नेचुरल होती हैं और वो हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं। ये मेडिक्योर पेडिक्योर से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छी रिजल्ट ये देखने को आपको देगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और पास ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई आपकी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।